नमस्कार दोस्तों, मैं आज एस्टिमेशन कॉस्टिंग का 27 क्लास बताने जाता हूँ। सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल में क्या अंतर होता है? इसको सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल में अंतर आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल आपको मार्केट में दोनों उपलब्ध होते हैं। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो ये आपको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल क्या है। अगर वेट्रीफाइड टाइल चूज करते हैं मार्केट में जाकर अगर दुकान में, तो सबसे पहले आपको उसको चेक करने की क्वालिटी में ये बता देता हूँ कि कभी भी ले तो आपको बाहर निकाल कर सिरेमिक टाइल या वेट्रीफाइड टाइल उसको देख ले सबसे पहले, उसकी कलर क्या है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। वेट्रीफाइड टाइल के पीछे वेट्रीफाइड टाइल लिखा रहता है या उसके बॉक्स पर लिखा रहता है सिरेमिक टाइल है या वेट्रीफाइड टाइल। मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट चीज़ भी उपलब्ध होते हैं, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पहले उसकी ये चीज़ें देख लेनी होती है कि उसमें मार्केट के वैल्यू के हिसाब से क्या क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और क्या है, उस टाइल के बॉक्स पर लिखा होता है। अगर नहीं लिखा होता है तब भी उसके टाइल के कॉर्नर पर ये चीज़ लिखा होती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी में होती है, उसकी वेट्रीफाइड टाइल है कि सिरेमिक टाइल है या पोरलैंड टाइल है। ये अलग अलग टाइल मिलती हैं आपको मार्केट में। इसको पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको अगर वेट्रीफाइड टाइल है या सिरेमिक टाइल है इसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे क्या कर जाता है, एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें सिरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल में कंपोजिशन क्या होता है। इसमें मिक्स ऑफ हाफ अर्थन क्ले एंड वाटर वनली, मतलब इसमें अर्थन क्ले मतलब मिट्टी और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है ग्रेनाइट। और वेट्रीफाइड टाइल में क्या होता है, ग्रेनाइट फील्ड स्पैन क्वार्टलाइज मिक्स, ये अगर 40% क्ले एंड 60% सिल्का ऐड होती है। मिक्स ऑफ क्ले एंड सिल्का क्वार्टराइज एंड फ्लैट सर्फर दोनों मिक्स होते हैं। ये सारे मिक्स होने के बाद इसकी दोनों को आपको मिक्स किया। इसमें अपीयरेंस क्या होता है, सिरेमिक टाइल हैव अ नेचुरल एंड अर्थन लुक, वेट्रीफाइड टाइल हैव एंटी फिजिकल लुक्स, एंटी फ्लेक्सल, इसमें ग्लॉसी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ग्लॉसी नहीं होती। रफ एंड एक्सटर्नल ग्लेजी इज अप्लाइड फॉर अ ग्लॉसी लुक, इसमें रफ होता है और एक्सटर्नल होती है, ये स्मूथ एंड ग्लॉसी होती है। गिव एंड एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर के लुक एंड अर्थ के लिए, मतलब ये एटमोसफेयर के हिसाब से होते हैं, लुक इसकी अच्छी होती है, दिखने में अच्छा होता है। ग्लेजी ऑलवेज हैव टू बी ग्लेज एंड प्रोटेक्शन, ये हमेशा प्रोटेक्ट करती है और ये नीड नॉट बी ग्लेज। और ये वेट्रीफाइड टाइल में क्या होता है, ये ग्लेज नहीं होते हैं, ग्लेजिंग नहीं होती है। और इसमें सिरेमिक टाइल में आपको ग्लेजिंग दिखने को मिलेगी। अब आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए आपको ये तो वेट्रीफाइड टाइल सिरेमिक टाइल और सारे अंतर डिफरेंस में बता दे रहा हूँ कि आपको अगर इसको उपयोग करना होता है तो सिरेमिक टाइल बाहरी टाइल्स की तुलना में घर के अंदर प्रयोग के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है, क्योंकि ये अधिक खराब है। ये हॉल बेडरूम और डाइनिंग रूम के लिए परफेक्ट है। और वेट्रीफाइड टाइल वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब वाटर को ऑब्जर्व करता है। ये इंडोर के साथ साथ आउटडोर की इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कि अंदर बाहर दोनों भी इस्तेमाल किया जाए। इसकी कीमत वेट्रीफाइड की तुलना में सिरेमिक टाइल अधिक किफायती होता है। वेट्रीफाइड टाइल सिरेमिक टाइल के से महंगी होती है। इसका मरम्मत और देखभाल कैसे करें, ग्राउंड के कारण सिरेमिक टाइल की मरम्मत और आसानी से और तेज़ी से बदली जा सकती है। एक ही टाइल को भी बदलना संभव है, मगर वेट्रीफाइड टाइल को मरम्मत और रिप्लेसमेंट के लिए पेशेवर सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। एक टाइल बदलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सिरेमिक टाइल अगर मिल रही है मार्केट में तो वो तो आसानी से मिल जाएगा सिरेमिक टाइल, और वो आसानी से बदल भी जाता है। मगर वेट्रीफाइड टाइल क्या होता है कि एक बार अगर कंपोजिशन से बनाया जाता है, जो कलर शेड निकलते हैं वो दोबारा शेड नहीं निकलते, क्योंकि अगर दूसरा लॉट में भी आता है, कभी भी अगर आप घर में वेट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं तो कभी भी क्वांटिटी 20 से 25% एक्स्ट्रा मंगवाया जाता है, ताकि उसकी अगर ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो वो दोबारा रिप्लेसमेंट कर जाते, क्योंकि अगर वो
और टाइल उस कलर का उस शेड का अगर मार्केट में खोजने जाएंगे, अगर जो शेड का लेकर आए हुए वो दोबारा नहीं मिलता है, ये चीज़ें ध्यान में देनी होती है। अगर वो आप दोबारा लाने के लिए जाइएगा मार्केट में खोजिएगा तो कहीं पे भी नहीं, उस कलर का उस शेड का कभी नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी अगर वेटिफाइड टाइल लगा रहे हो अपने तो उसे कभी भी ज़्यादा मंगाना चाहिए। और इसकी दोनों का अगर इंस्टॉलेशन किया जाए तो इसका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। इंस्टॉलेशन के लिए एडेसिव भी अब आ रहा है मार्केट में, जो टाइल के साथ लगाया जाता है। पहले क्या होता था कि हम सीमेंट और सैलरी के को मिक्स करके लगाते थे वेटिफाइड और सिरेमिक टाइल को, मगर अब एडेसिव आ गए हैं, केमिकल आ गए हैं, जिस एडेसिव से आप टाइल को और वेटिफाइड टाइल को सिरेमिक टाइल को आसानी से लगाते हैं और वो कभी भी सरफेस को ख़राब नहीं होता और जल्दी निकलता नहीं है। और वाटर रेजिस्टेंस इसका 3% होता है सिरेमिक टाइल का, और वेटिफाइड टाइल का होता है 0.5%। आप देख लीजिए कितना अंतर होता है। ये इन जैसे में जहाँ पे पानी का रेशियो कम होता है, जैसे में हॉल में डाइनिंग रूम में, तो वहाँ पे आप सिरेमिक टाइल लगा सकते हैं, मगर वेटिफाइड टाइल आप बाथरूम में कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से रेसिस्टेंस नहीं होगा, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो इससे बेनिफिट मिलती है। दूसरी चीज़, अब इसमें और एक चीज़ आपको यह भी बता दे रहे हैं, सिरेमिक टाइल की सिर्फ सर्फ पर एक अतिरिक्त चमक इसमें देखिए, अगर चमकदार देखने के लिए आप देखिए तो वेटिफाइड टाइल बहुत ग्लॉसी होता है, लुक में अच्छा होता है, मगर इस सिरेमिक टाइल में ऐसा नहीं होता है। अगर सिरेमिक टाइल आमतौर पर मैट फिनिश के साथ आती है, मतलब कि ये रफ सरफेस होता है, और ये जो होता है आपको वेटिफाइड टाइल, ये सरफेस नहीं होता, ये ग्लॉसी होता है, चिकनापन होती है, और ये एंटी स्कैटिंग होता है, ये कहीं पे भी पैर स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। सिरेमिक टाइल आमतौर पर कोर्स और टेक्सचर्स स्टाइल में उपलब्ध होता है। ये जो टेक्सचर होते हैं ये हमेशा टेक्सचर सिरेमिक टाइल टेक्सचर में रहता है, और ये होता है ग्लेजी होता है, चमकदार होता है। ऐसे में अगर दाग धब्बे के रेशियो से देखा जाए तो सिरेमिक टाइल में दाग धब्बे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और छूटते नहीं हैं। अब केमिकल अगर टाइल क्लीनर भी लगाते हैं तब भी वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होते हैं। और वेटिफाइड टाइल में क्या होता है कि अगर आप टाइल क्लीनर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ईजिली निकल जाता है। ये सब सकते, अब मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो आपको वेट्रीफाइड टाइल मजबूत होता है और उससे सिरेमिक टाइल मजबूत उतनी नहीं होती है। ये सारे रेशियो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें, सिरेमिक और वेट्रीफाइड टाइल में। और इसकी मेजरमेंट होती है, आपको ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसकी मेजरमेंट सपोर्टेड एक कमरा है इतना भाई, आपको मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ, सपोर्टेड की ये 7 मीटर का है, ठीक है, और ये है आपका 10 मीटर का, तो इसकी मेजरमेंट होती है 10 लेंथ इंटू वाइड, मतलब कि 70 स्क्वायर मीटर, 70 स्क्वायर मीटर ये आपकी हो जाएगी इसकी क्वांटिटी की, 70 स्क्वायर मीटर इस पूरे एरिया में आपको लगेंगे। अब इसमें क्या होता है कि स्कर्टिंग लगती है 6 इंची का, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 7, और इसको सबको ऐड करेंगे 34 आएगा। इस तो इसकी मेजरमेंट होती है रनिंग मीटर में, और इसकी मेजरमेंट होती है स्क्वायर मीटर में। ये चीज़ें ध्यान होती है सिरेमिक टाइल या वेट्रीफाइड टाइल की, जो भी मेजरमेंट होती है इसकी होती है स्क्वायर मीटर में, फर्श का फ्लोर का, ठीक है, फ्लोर का आपको मेजरमेंट करनी होती है तो इसकी क्या होगी स्क्वायर मीटर में। और इसकी जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग क्या होती है आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ स्कर्टिंग क्या होती है, जो
घर के बाहर में ये यहाँ पे स्कर्टिंग लगी होती है, ये देखिए यहाँ पे है ये स्कर्टिंग, आपको दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो इस एरिया में ये लगी होती है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे लगा रहता है फर्श के बीच में, इसी को स्कर्टिंग कहती है। ये 6 इंची, 7 इंची, 10 इंची में भी लगते हैं, तो इसको इसको ही यही चीज़ को देखना पड़ता है और इसकी लगानी होती है कि स्कर्टिंग कहाँ पे लग रहा है। और आप ये देखिए फ्लोर पे है, तो पूरी लेंथ और इसकी वाइड ये दोनों ले लेंगे तो इसकी लेंथ इंटू वाइड हो जाएगी, इसकी स्क्वायर मीटर में होगी। और जो यहाँ पे स्कर्टिंग लगेंगे यहाँ पे, तो इसको स्कर्टिंग रनिंग फुट में इसको लेते हैं, मेजरमेंट में आपको एक्सल में पुट करना होता है तो स्क्वायर फीट में, और इसकी होती है रनिंग फुट में। तो ये चीज़ें ध्यान होती है, सिरेमिक और वेटिफाइड टाइल में क्या अंतर होते हैं, इसकी मेजरमेंट क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टोन की मेजरमेंट क्या होती है। स्टोन के मेजरमेंट में बहुत सारे आदमी कन्फ्यूज़न होते हैं कि कैसे इसकी मेजरमेंट ली जाती है, पर स्टोन वर्क की आपको ग्रेनाइट स्टोन वर्क की मेजरमेंट कैसे की जाती है ये आपको क्लियर में बताऊंगा, समझाऊंगा भी आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।